मैं हूं सुलेमान खान आपके सामने, और आज जो हमारा मौजू है ये हमारे यहाँ छानपुरा में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 50 बेडेड हॉस्पिटल, और ये बना है 2008 में। तो यहाँ जो फैसिलिटीज़ काफ़ी लैक हैं, क्योंकि यहाँ एक्सरे अवेलेबल नहीं है और अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसका ये फ्रंट व्यू हॉस्पिटल का। ये देखिए जी कितना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, ये 2008 में बना हुआ है, आप देख रहे हैं। ये छानपुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो ये गवर्नमेंट ने 2008 में बनाया था, बट यहाँ जो फैसिलिटीज़ है दे आर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हेयर, वी डोंट हैव एक्सरे प्लांट हेयर, वी डोंट हैव अल्ट्रासाउंड प्लांट। तो मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों। हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगा इसके बारे में कि ये कब से बना और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कहाँ से हैं? मैं छानपुरा से ही हूँ। अच्छा, छानपुरा से ही। ये आपके यहाँ जो हॉस्पिटल बना है 2008 से ये यहाँ बना हुआ, और इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ मैंने सुना कि यहाँ एक्सरे मशीनें नहीं है, एक्सरे प्लांट नहीं है, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग, और यहाँ ये क्या नाम है इसका अपना ये अल्ट्रासाउंड का अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स यहाँ जो आते हैं उनको यहाँ ये बेनिफिट मिलना चाहिए। आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ, पेशेंट्स बहुत सफ़र कर रहे हैं, ये बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है छानपुरा पूरा। ये छानपुरा डिस्ट्रिक्ट जो बनाया है नया, पूरे में इलाके में रामबाग से चौड़ारा तक ये हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जी जी, ये छोटा मोटा कोई हॉस्पिटल नहीं है जी। तो इसको अभी गवर्नमेंट ने, जो NC गवर्नमेंट ने बनाया था जी, तो नासिर सगामी ने जी, तो तब से ये ऐसे ही बैठा है। अच्छा, तो फिर उनकी गवर्नमेंट गिर गई। अच्छा, तो तब से ये ऐसे ही बैठा है। तो PDP वाले बोल रहे थे कि हम इसको चालू कर देंगे, तो किया तो नहीं जी बुखारी साहब ने जी जी। तो अब हम बस इतनी अपील गवर्नर साहब से कर रहे हैं कि जो हमारे गवर्नर साहब आए हैं, उनका बड़ा नाम है, हमने सुना उनका बड़ा नाम है, तो वो काम कर रहे हैं। तो अब हमारी अपील सिर्फ गवर्नर साहब से इतनी है कि इस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दीजिए। तो यहाँ बहुत पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा हेल्थ सेंटर बहुत वीक है। अच्छा, तो अब हमारी बस यही गुजारिश है गवर्नर साहब से कि इस हॉस्पिटल को मेहरबानी करके अपने तहवील में लेके इसका जायज़ा कीजिए। तो ये क्यों नहीं चालू हो रहा है? अगर ये बिल्डिंग बनी है, सब कुछ है इसमें, तो आप क्यों नहीं इसको चालू कर रहे हैं? जी जी, तो मेरी इतनी गुजारिश है, मैं इस जिम्मेदार शहरी हूँ इस इलाके का, मैं महले का प्रेसिडेंट भी हूँ इस इलाके का। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, तो मेहरबानी करके आप इस हॉस्पिटल को अपने तहवील में लेके इसको जल्द से जल्द चालू कराइए।